हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन पैरा। सो फ्रेंड, यह वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो फ्रेंड, डिक्टेशन पैरा शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, भारत एक बहुत प्राचीन, विशाल तथा महान देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में हर छठा सातवां व्यक्ति भारतीय है, लेकिन हमारे देश में समस्याएं भी अनेक है और उनका विस्तार भी असाधारण। कभी तो लगता है जैसे भारत एक समस्याओं का ही देश है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण और महंगाई जैसी भीषण समस्याएं आज हमारे सामने है। महंगाई तो एक महामारी की तरह है जो सर्वत्र एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती है। इसकी चपेट और मार से कोई नहीं बचता, लेकिन निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। महामारी की तरह महंगाई घातक तो नहीं होती और न प्राण हर लेती है, परंतु आर्थिक दृष्टि से लोगों को पंगु और असहाय अवश्य बना देती है। महंगाई कोई नहीं है, इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप बहुत उग्र है। महंगाई की समस्या अनेक देशों और समाजों में भी समान रूप से पाई जाती है। महंगाई या निरंतर मूल्यों में वृद्धि एक बड़े चिंता का विषय है। इसके प्रभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त और पस्त हो जाता है। लोग निराशा और हताश के शिकार हो जाते हैं। परिणामतः जीवन सहज नहीं रह पाता और जीवन स्तर निरंतर गिरता रहता है। भारत में जनसाधारण का जीवन स्तर अभी भी बहुत नीचा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 56 वर्षों के बाद भी इसमें कोई वंचित सुधार नहीं आया। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। भूख और अभावों की मार से कभी कभी लोगों को मरते या आत्महत्या करते भी देखा या सुना जा सकता है। जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, ईंधन, कपड़े, मकान, उपचार की वस्तुएं, बिजली, पानी आदि कीमतों में बराबर और तीव्र वृद्धि से सबको परेशान कर रखा है। इसकी कहीं कोई सीमा नहीं दिखाई देती। स्थिति ने एक भयावह मोड़ ले लिया है तथा जनसामान्य बहुत त्रस्त और व्याकुल दिखाई देता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि इस पर तुरंत काबू पाया जाए और खाद्य पदार्थों आदि के मूल्यों में वृद्धि को कारगर ढंग से नियंत्रित किया जाए। महंगाई की समस्या के साथ अन्य कोई समस्या ही जुड़ी है। महंगाई बढ़ने से समाज में असंतोष बढ़ता है, अराजकता पैदा होती है और अनुशासन शासनहीनता फैलती है। अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लोग कहीं भी उचित अनुचित साधन अपनाने से ही नहीं चुकते। कर्मचारी महंगाई के नाम पर खुलेआम रिश्वत लेने लगते हैं और तो व्यापारी मिलावट आदि पर उतर जाते हैं। मानव मूल्यों और आदर्शों को महंगाई के कारण बड़ी क्षति सहनी पड़ती है। मूल्यों में निरंतर और तीव्र वृद्धि से कारण इन कारणों की पहचान करके इसका निवारण आज ही एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। थैंक यू।